सो हे गाइस, फर्स्ट वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर किटी सिनी। तो आप मॉर्निंग का टाइम यहाँ पर देख सकते हो, सुबह सुबह का टाइम है। और आज का रूटीन मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, यहाँ पे कुछ हैक्स एंड टिप्स भी आपके साथ में बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ पहुँचेगी। तो सुबह हो चुकी है चाय, बाबू जग गई थी मेरे साथ में ही, तो चाय का मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। बट मैं जो है पहुँचा से यहाँ पे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो बाबू को मैं भी यहाँ पे सुला के आई हूँ। और हमारी मनी प्लांट देखिए बालकनी में, जो रेलिंग है ना सीढ़ियों के ऊपर, तो उस पर लटक रही है, तो अच्छा डेकोरेट आ रहा है। तो सुबह सुबह क्या है ना कि सारे जो संदूक वगैरह, फ्रिज वगैरह, चेयर्स, जूता स्टैंड जो भी है ना, सबको मैं एक बार पोंछे से साफ़ करती हूँ। पहले उनको झाड़ू से साफ़ कर लेती हूँ, फिर मेरे को पोंछा मार के एक बार से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जो फ़र्श वाला जो मतलब चौक का पोंछा है ना, वो मैं हाथ से ही देती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से ही सही लगता है, एकदम क्लीन आता है। और हर एक चीज़ को ना थोड़ा थोड़ा हटा हटा के हम उसे साफ़ कर सकते हैं। तो सीढ़ियों पे, रेलिंग वगैरह पे, और बाहर की बालकनी है ना, पहले मैं इसकी टाइल्स पे पानी डालती हूँ, उसके बाद में वाइपर से इसको सारा साफ़ कर देती हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो बाहर का वाइपर से इसलिए साफ़ करना होता है क्योंकि रात में कभी कभी आंधी वगैरह आती है ना, तो सारा डस्टी डस्ट हो जाता है पूरे घर में। और अंदर ये देखिए मेरी सारी जो है होम क्लीनिंग यहाँ पे, यानी कि पोछा जो है सारा फ्री हो चुका है। पूरा घर अंदर और बाहर से पूरा एकदम चमक गया है। तो यहाँ पे अब डस्ट का कोई नाम नहीं है, बट धीरे धीरे यहाँ पे हो जाएगी। जैसे बच्चे बाहर आएंगे, जगह के इधर उधर घूमेंगे, तब थोड़ा थोड़ा जो है गंदा होने लग जाएगा, वरना मॉर्निंग के टाइम एकदम ये क्लीन रहता है। इसके बाद में बालकनी देखिए हमारी जो है सारी साफ़ हो गई है। डेली मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ, क्योंकि बाल्टी मुझे इसके लिए ऑलरेडी जो है बुक करके रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें पोंछे से काम नहीं चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भी जा रही रूम में, और अपने मोबाइल को लगाऊंगी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज में, ताकि थोड़ा सा चार्ज हो जाए। इसके बाद में मैं नहा धो के हो जाती फ्री, और यहाँ पे समथिंग टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। इसके बाद में मैं कपड़े पहले ही जो है वॉश कर लेती हूँ, नहाने के बाद में कपड़े पर चेंज करके फिर मैं इनको सुखाने लग जाती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके मुझे 8:30 बजे का टाइम हो जाता है। इसके बाद में मुझे किचन में जाना होता है, और मैं टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े सारे फ्री कर लेती हूँ बालकनी में। बालकनी में से तार जो है छोटा सा है, यहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सुबह सुबह पोहा बनाया था, मम्मी पापा को जल्दी कहीं जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी बना दिया, मैं शूट नहीं कर पाई यहाँ पर। अब बज रहे हैं यहाँ पे 8:30, 9:15 से बीच का टाइम हो रहा है। मैं इनके लिए टिफ़िन जो है मिस्टर हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। बाकी का आटा है जो मैं यहाँ पे रख दूँगी, और बाकी का हम खाएंगे तब इसको बना लेंगे। तो 4 रोटियाँ सेकती हूँ मैं सुबह सुबह। इसके बाद में बाबू को मैं नहला देती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी, नहीं तो मैं धूप में इसकी बाल्टी रख देती हूँ, उसमें गर्म पानी हो जाता है। बहुत ज़्यादा नाटक करता है हमारी गुल्लू। बाकी की जो चीज़ें हैं मैं उनको जहाँ पे जैसे रखी होती हैं उनको वैसे ही मैं जमा के रख देती हूँ। इसके बाद मैं बेडशीट वगैरह साफ करती हूँ, थोड़ा टाइम मैं बाबू के साथ में रहती हूँ। यहाँ पे भी बज रहे हैं 11, और मैंने अभी सारा खाना जो है बना के फ्री कर चुकी हूँ। अब मैं करती हूँ क्लीनिंग जो गैस वगैरह की है, तो मैं इसको चूने से रगड़ती हूँ, ताकि जो डीपली क्लीनिंग होती है ना वो हो जाती है, और गैस को अच्छा मतलब एकदम चमक आ जाती है, सारा साफ हो जाता है। टाइल्स वगैरह सब पे मैं एक बार चूना लगा देती हूँ, खिड़की वगैरह पे, क्योंकि छाव वक लगाते हैं तो उसका जो ऑयल है ना उधर जो है चला जाता है थोड़ा सा। इसके बाद पूरी सिलपट्टी वगैरह को, बर्तन, सिंक वगैरह, सब सारा जो एरिया है ना, चारों कोने होते हैं जो रसोई को, उनको मैं साफ़ करके फ्री करके जब मैं फ्री होकर बैठ जाती हूँ, और कचरा वचरा सब कुछ बाहर छोड़ के आती है। और डस्टबिन में डालने के बाद में, यानी कि जब तक लगता नहीं कि रसोई पूरी क्लीन नहीं है तब तक मुझे छोड़ देने, क्लीन करने के बाद ही मैं अंदर बैठती हूँ। और उसके बाद में फ्री होने के बाद में फिर मैं खाती हूँ खाना। तो यहाँ पर मैं भी बर्तनों को वॉश करके रख देती हूँ, और फिर उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। तो ये है हमारा किचन का फाइनल लुक, एकदम क्लीन एंड क्लियर यहाँ पे हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे लगा और अभी मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ थाली, और बैठेंगे मैं और बाबू खाना खाने। तो ये देखिए चमक रहा है ना मेरा किचन, ऐसा ही अच्छा लगता है गाइस।
और अभी देखो यहाँ पे समथिंग बज गए हैं 11:45 का टाइम। मैं सोची थी चलो फ्री होके थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, लेकिन मेरी मैडम जो है ना ये करने देता, अब मेरे को इसके पीछे भागना पड़ेगा। सडनली मिस्टर हस्बैंड आ गए, भतीजा भी आ गया, पता चला कि ये लोग वाईफाई का काम करने वाले हैं। जैसे गेट लगाया उन्होंने, गेट खटखटाया, फिर तो क्या था, हो गया रेस्ट, बस हो गई। तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं वाईफाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडेम वगैरह लगा रहे हैं दोनों चाचा भतीजी मिल करके। मेरी मैडम है वो भी, उसको बस नहीं चलता उसका, वरना वो क्या क्या कर दे, मान लो कि बीच में ऐसे घुसती है कि जैसे सब कुछ ये जानती हो, तो बालकनी में थोड़ा सा व्यू दिखा देती। मैं आपको सासू माँ जी के मरीज के कपड़े ये टिकते नहीं, हवा की वजह से बार बार गिरते जाते हैं। और बाहर देखो तड़के वाली जो है गाइस निकल रही है धूप, और ये हमारी सेम की बेल हो चुकी है एकदम, छत को छू चुकी है, अब इसमें आने बाकी हैं। और ये हमारी मोटो भतीजी वो जा रही है घूमी घूमी करने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये मेरे को दिख गई थी। मेरे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था कैमरे में, बट मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी, चलो छाया में कमरे में जाके देखते हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। और हमारी वर्तिका की जो है शैतानी यहाँ पे कंटिन्यू जो है चलती ही रहती है। मज़े की बात देखो गाइस, मेरा प्लांट होल्डर जो है ना वो किस काम में आ रहा है, देखो वाईफाई लगाने के लिए काम में आया, ऊपर से इसमें फ्लोर रख दिया है। तो वैसे एक पंथ दो काज हो गए हैं अलग से, इसके लिए कोई वॉल वगैरह मतलब स्टैंड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब शाम हो चुकी है नेक्स्ट डे की, तो मैं छत पे आ गई थी तो प्लांट्स वगैरह से पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि चलो इसकी बेल को मैं ऊपर चढ़ा देती हूँ, तो बैठे बैठे चढ़ाने लगी। तो आज का ब्लॉग मैं करती समाप्त, कैसा लगा आपको, अच्छा लगता है गाइस लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड वंस अगेन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। तो चलते रहिए एंड बने रहिए।